कोलकाता की ओर से रैंप वॉक पर फैशन शो का आयोजन किया गया, जहां पर मॉडल्स ने नहीं बल्कि जीतो लेडीज विंग कोलकाता के सदस्यों ने रैंप वॉक करती नजर आई। इस रैंप वॉक के दौरान रंग बिरंगे कपड़ों में पहुंची हर उम्र की महिलाओं ने कैटवॉक किया। इस फैशन शो में महानगर के मशहूर डिजाइनर्स के कपड़े पहनकर महिलाओं ने रैंप वॉक किया। महिलाएं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाते हुए समाज में जिस तरह बेहतरीन काम कर रही है, उन महिलाओं के लिए जीतो लेडीज विंग कोलकाता की ओर से इस फैशन शो का आयोजन किया गया। फैशन शो से जुड़ी जानकारियां देते हुए चेयरपर्सन सरिता जैन ने कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में बताया। इसमें हमारे 500 मेंबर्स हैं और आज करीब 105 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया है। देयर आर 7 डिजाइनर्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस। द वन इज सेजल कनॉय, रेडिकल तुबियम, विधि गोलचा, शिल्पा गोलचा। मतलब द लेडीज लोग इतने खुश हैं कैटवॉक करके, क्योंकि इन्होंने लाइफ में मोस्ट ऑफ देम आर बिटवीन 50 to 60 और सबको रैंप वॉक करके लग रहा है कि जीवन का कुछ उन्होंने पा लिया है। उनकी इतनी खुशी उनके चेहरे पर दिख रही है कि मुझे उनकी खुशी से मुझे भी बहुत खुशी मिल रही है। जीतो क्लब, हमारे जीतो क्लब के बहुत सारे मेंबर्स हमारे पालकी के क्लाइंट्स हैं, ग्राहक हैं, तो उन्होंने आके हमसे रिक्वेस्ट की कि हम इनके क्लब के प्रोग्राम में पार्ट करें फैशन शो में। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना, और ये बहुत ही पर्सनल प्रोग्राम था। जैसा कि आपने देखा होगा, ये सब बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ सब पार्ट ले रहे थे। अभी हम लोगों ने ये प्रोग्राम के लिए प्लान किया कि जो न्यू कमर है हमारे जैन समाज के, जो हिडन वर्क करते हैं पर उन्हें प्रमोशन नहीं मिलने के कारण बहुत पहचान नहीं बढ़ रही है, तो हम उन्हें एक पहचान देने के लिए और वुमेन एम्पावरमेंट में जो हमारी लेडीज़ जो वर्क कर रही है 50+ 60+ की, उसी को ध्यान रखते हुए हमने आज फैशन शो किया। तो मैं यही चाहती हूँ कि आज जो न्यू कमर अगर आगे आए तो हमारी समाज की प्रतिष्ठा में दो चांद लग जाएंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि महिलाओं में अपना अंतर का विश्वास जागे, वो स्वयं को अंदर से सक्षम बनाए, और उसी सक्षमता का प्रयास है आज का हमारा फैशन शो, जिसमें आदमी के अंदर प्रतिभा है, आदमी के अंदर ताकत है, आदमी के अंदर समस्याओं को जूझने की उसमें तजुर्बा है, लेकिन वो ऊपर से कमज़ोर बन गई है, इसलिए उनकी भीतर हुई शक्ति जागे, उसके लिए ऐसे कार्यक्रम हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और वास्तव में आज जो बहनें चल रही थी रैंप वॉक पे, तो ऐसा लग रहा था कि कोई प्रोफेशनल मॉडल से कम नहीं थी, और उनका अंदर से आत्मविश्वास जाग रहा था, और जिन डिज़ाइनरों की प्रस्तुति की गई वास्तव में तारीफ़ें काबिल थी।